आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ फायर एंड आइस। ये एक पोएम है क्लास टेंथ CBSE बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट की। और ये पोएम, इसके जो राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। फर्स्ट पोएम मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, आज इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा समरी में और उसके अगले वीडियो में करवाऊंगा। हिंदी में सारा कुछ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बहुत छोटी सी पोएम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब है कि आगी और आइस का मतलब है बर्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दुनिया कैसे समाप्त होगी इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आपको लगता है कि ये दुनिया किसी दिन समाप्त हो जाएगी। हाउ यू एवर थॉट What would happen if the sun got so hot that it burned or grew colder and colder? आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि वो जलने लगेगा, या वो इतना ठंडा हो जाएगा, ठंडा और ठंडा होता ही जाएगा, तो क्या होगा? आंसर है यस आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड समडे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। व्हाट व्हेन नोबडी नोज अबाउट दिस। लेकिन ऐसा कब होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर इन बोथ सिचुएशंस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर। मतलब पृथ्वी का या दुनिया का अंत होना निश्चित है, चाहे सूर्य गर्म हो जाए या सूर्य ठंडा हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में इस दुनिया का अंत होना निश्चित है। क्वेश्चन टू, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रॉस्ट के अनुसार आग और बर्फ किस चीज़ का प्रतीक हैं? आंसर है फॉर फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर। फ्रॉस्ट के हिसाब से आग प्रतीक हैं किसका? स्टैंड्स फॉर ग्रीड। ग्रीड का अर्थ होता है लालच। एवरिस, एवरिस का अर्थ होता है लोभ। लालच का ही एक प्रकार है लोभ। लस्ट का अर्थ होता है हवस, लालसा, कामना। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है टकराव। एंड विजी, विजी का अर्थ होता है व्यस्तता। तो आग प्रतीक है किसका? लालच का, लोभ का, हवस का, टकराव का और व्यस्तता का। वहीं आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस एंड हेटरेड। वहीं आइस, बर्फ जो प्रतीक है वो किसका है? क्रुएलिटी, क्रुएलिटी मतलब दुष्टता, इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। ये शब्द अभी आपने समाचारों में पिछले एक दो साल से काफ़ी सुना होगा, इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। इसका दूसरा अर्थ हो सकता है असहनीय। रिजिडिटी, कठोरता। इनसेंसिविटी, असंवेदनशीलता। कोल्डनेस, शीतलता। एंड हेटरेड, घृणा। तो वहीं बर्फ प्रतीक है दुष्टता, असहिष्णुता, कठोरता, असंवेदनशीलता, शीतलता और घृणा का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम के बारे में आप जानते ही होंगे कि पोएम को किस तरह से
बनाया गया है, क्या तुकबंदी की गई है, वो राइम स्कीम कहलाती है। तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए ए बी सी बी सी बी। तो ये इस पोएम की राइम स्कीम है, ये राइम स्कीम है। राइम स्कीम के बारे में मैं किसी एक वीडियो में समझाऊंगा तो आपको पोएम्स की राइम स्कीम समझ में आने लगेगी। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। कवि के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस कविता में किस तरह से विरोधाभासी विचार को प्रकट कर पाए, ला पाए, प्रस्तुत किया उन्होंने। द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ऑफ फायर एंड आइज आर प्रेजेंटेड यूजिंग दिस राइम स्कीम। बर्फ और आग, इनका जो विपरीत स्वभाव है उसको, उनके विचार को इस राइम स्कीम के थ्रू प्रस्तुत किया है कवि ने। ही मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। उसने ये बताया है कवि ने कि चाहे बर्फ हो चाहे आग हो, ये दुनिया के अंत का एक कारण हो सकता है, हो सकते हैं। व्हाइल ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, उसमें बताया है उन्होंने कि आग का, आग जो प्रतीक है वो डिज़ायर का, इच्छाओं का प्रतीक है। एंड कैन देयर फॉर बी ए कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो इच्छाएं हैं, जो लालच है, जो हवस है, वही इस दुनिया के एक अंत का एक कारण हो सकता है। ही ऑल्सो मेंशंस आइस, उसने, कवि ने बर्फ का भी इस कविता में प्रयोग किया है। ही ऑल्सो मेंशंस आइज इन बिटवीन टू सिम्बलाइज, उसने बीच में इस वर्ब का भी उपयोग किया है इस प्रतीक के रूप में, दैट द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर। आज जो समाज में लोगों के संबंध शीतल हो गए, ठंडे संबंध हो गए, वो गर्माहट नहीं रही है संबंधों में, एक किसी को किसी की कोई चिंता नहीं रहती, कोई परवाह नहीं रहती, सब अपने अपने काम में मस्त हैं, मैटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। तो वही इसने बताया है कि बर्फ, दैट द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर विल ऑल्सो बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड। और इस तरह का जब व्यवहार हो गया है, संबंध हो गए हैं, ठंडे संबंध हो गए हैं मनुष्यों के बीच में, तो ये भी इस दुनिया के अंत का एक कारण हो सकता है। इन द सेकेंड स्टेंजा ही सेज, दूसरे स्टेंजा में पोएम के, पोएम में दो ही स्टेंजा हैं, सेकेंड स्टेंजा में ही सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हेट इन द वर्ल्ड टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस वुड बी सफिशेंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेंजा में उसने बताया है कि जो मनुष्यों के बीच में आपस में नफरत है इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों के संबंध आपस में ठंडे हो गए हैं, बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं, कोई गर्माहट नहीं है, तो ये भी दुनिया को समाप्त करने के लिए, दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है। तो स्टूडेंट्स, मैंने तीन इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए हैं, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है। आप इस वीडियो को और बार बार देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अगले वीडियो में इसी पोएम की समरी आपको बताऊंगा लाइन वाइज हिंदी में। तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो इस पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल।